पाकिस्तान ने चोरी से परमाणु बम बनाया और अब वहां चोर बाजार में नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला एटम बम बेचने की मांग तेज हो रही है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, जैसे तैसे शहबाज शरीफ की सरकार का गुजारा हो रहा है और अब परमाणु बम बेचकर फंड जुटाने की तरकीब भी अपनाई जा रही है। पाकिस्तान का परमाणु बम बिकाऊ है। हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख कर दें और 5 टर्की को फरोख कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। कंगाल पाकिस्तान में एटम बम का बम्पर से लगा है, बेचना किसे है, दाम कितना है, सब कुछ तय है, ये बताने वाला मुल्क का मशहूर मिलिट्री एक्सपर्ट है। पाकिस्तान के परमाणु बाजार का रेट चार्ट आपको आगे दिखाएंगे। अभी पाकिस्तान की हालत कितनी बद से बदतर हो चुकी है ये जानना हो तो आतंकिस्तान के बाद दुनिया में कंगालिस्तान के नाम से मशहूर इस मुल्क के रक्षा मंत्री को सुनना जरूरी है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हमारे मुल्क के इस वक्त आता हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को, मैं उनके साथ होता हूं। पाकिस्तान में दो वक्त की रोटी के लिए आटे का घनघोर संकट है। महंगाई का विस्फोट ऐसा है कि चिकन तो छोड़िए, अंडा भी आवाम के लिए मुहाल है। कर्ज खोर हुकूमत ने पाकिस्तान का ऐसा हाल किया कि करीबी देश भी मदद से मुंह मोड़ चुके हैं। पहले से ही भारी भरकम कर्ज का ब्याज तक ना वसूल पाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी और कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ सरकार को दुनिया भर में असुरक्षा के सबसे बड़े खतरे एटम बम बेचने का मशवरा दे रहे हैं। बस तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको ये करने से, ना वो आप पर हमला कर सकते हैं, ना वो आपको धमकी दे सकते हैं। इनकी जानें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियल एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर करे। पाकिस्तान की खिल्ली पहले से दुनिया भर में उड़ती रही है और अब वहीं के सैन्य विशेषज्ञ ने चोरी से परमाणु बम हासिल करने और फिर उसे पर्दे के पीछे से बेचने की कोशिश का सच बयां कर पूरी दुनिया में इस मुल्क की जग हंसाई कराई है। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कानून को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमने हाफ हार्टेड छुप छुप के एफर्ट्स की थी शुरू में। कजाफी हमसे लेना चाहता था, ईरान हमसे लेना चाहता था, डर के मारे हमने छोटे छोटे कुछ छोटे मोटे डिजाइन, वो जो डॉक्टर कदीर केस हुआ था इतना मशहूर मुशर्रफ के दौर में, ले इसको खुल के। ये बात दुनिया जानती है कि टैलेंट के बूते एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। ऐसे में अब जैसे परमाणु तकनीक जुटाई वैसे ही उसे सरेआम बेचने की पेशकश तक हो रही है। पाकिस्तान के एक टॉप मिलिट्री एक्सपर्ट ने सरकार को एटम बम बेचने की सलाह दी है। इसके लिए बकायदा रेट लिस्ट और खरीदार भी फिक्स कर दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से देश पाकिस्तान से परमाणु हथियार खरीदने वाले। पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपर्ट जैद हामिद की सलाह अगर शहबाज शरीफ सरकार ने मंजूर की
तो चोर बाजार में परमाणु बम सऊदी अरब, तुर्की और ईरान को बेचने की मंशा है, जिसकी जैसी हैसियत उससे उतनी कीमत वसूलने का प्लान है। जैद हामिद ने सऊदी अरब को 5 एटम बम के एवज में 2,06,825 करोड़ रुपए वसूलने की सलाह दी है। तो तुर्की से 5 परमाणु बम के बदले कम से कम 1,65,461 करोड़ वसूलने की नसीहत दी है। आप आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब, 4 अरब, 5 अरब डॉलर एक वॉरहेड के देगा। 5 अरब, 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, 25 अरब डॉलर आपको एक घंटे में देगा। आप टर्की को 5 वॉरहेड दे दे, 20-25 अरब डॉलर टर्की देगा। मुल्क की बर्बादी का ठीकरा कैसे एक दूसरे पर फोड़ने की होड़ मची है, ये भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार को परमाणु बम बेचने की सलाह कोई पहली बार नहीं मिली है। खर्च चलाने और घोषित कंगाल मुल्क की फहरिस्त में शुमार होने से बचने के लिए पाकिस्तान का हर खासो आम एटम बम बेचने की हिमायत कर रहा है। एटम बम बेचो, कर्ज उतार दो और पाकिस्तान बचा लो। इतने मकरूज हो गए हैं ये लोग, इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीजें बेच दी हैं, तो ये बेचते हैं, उन्हें शर्म तो नहीं आएगी, ये भी बेच देंगे। हमारे पास इतने ज्यादा रखने की जगह भी नहीं है, तो सेल इट। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपका पूरा का पूरा कर्जा उतार देंगी और आपको शायद ऊपर से देंगी। ये तो पाकिस्तान के लोगों की राय है। पाकिस्तान की पब्लिक कहती है आटा दो चाहे एटम बम बेच दो, लेकिन पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी ऐसी ही डरावनी बातों को दोहरा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। आप देख लें IMF के ताबे जो है वो भी हम बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बम के। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर्ज मांग मांग कर शर्मिंदा हो चुके हैं और ऐसे शर्मिंदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान के दोस्त भी पाकिस्तान से मुंह चुराने लगे हैं कि कहीं उनको कर्ज ना देना पड़े। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। और ऐसे में पाकिस्तान की आवाम से बस एक ही आवाज उठ रही है। पाकिस्तान के अंदर एक ही चर्चा चल रही है कि एटम बम की मंडी लगा दो, मुल्क को बचा लो। और इसके लिए पाकिस्तान ने खतरनाक खेल भी शुरू कर दिया है। एक हालिया घटना से ये सवाल उठा है कि क्या पाकिस्तान ईरान को यूरेनियम बेचने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बीते जनवरी के महीने में ब्रिटेन से एक बेहद खतरनाक खबर आई। लंदन के हीथ्रो एक्सपोर्ट पर भारी मात्रा में यूरेनियम पकड़ा गया। इस यूरेनियम से एटम बम बनाया जा सकता है। यह यूरेनियम पाकिस्तान से भेजा गया था। पाकिस्तान से ब्रिटेन में मौजूद एक ईरानी कंपनी को यूरेनियम भेजा गया था। सवाल ये है कि क्या जिस पाकिस्तान ने ईरान और उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने की तकनीक बेची है, अब उसी पाकिस्तान ने एटम बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम सप्लाई के लिए भी ईरान से क्या कोई सीक्रेट डील की है और इसके बदले में पैसे आखिर कौन ले रहा है? पाकिस्तान के पास कितने एटम बम हैं ये जानना भी बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 165 एटम बम है और अब इसी जखीरे में से कुछ परमाणु बम बेचकर कर्ज उतारने और कंगाली दूर करने की मांग पाकिस्तान में जोर पकड़ रही है। कि मैंने किसी से पूछा था कि भाई क्या कर्ज मिल सकता है पाकिस्तान को, कहता है 150 बिलियन डॉलर्स आपको ओवरनाइट कर्ज दिला सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, और किस चीज को, हम क्या मॉर्गेज करेंगे? हंस के कहता है न्यूक्लियर वेपन्स। 150, हमारे कर्ज सब चले जाएंगे। बात बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान की बदहाली और कंगाली दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में एटम बम की सेल लगाने की बहस चल रही है। कर्ज पर पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री का रोना धोना भी सुन लीजिए।
हम एटमी ताकत ज़रूर बन गए अल्लाह ताला के फजल करम से। अगर एटमी ताकत आज ना होते तो हमारे आज मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते, लेकिन कम से कम एटमी ताकत ने पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए महफूज कर दिया और आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर। पाकिस्तान में महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई दर 38.42% पर पहुंच गई है। दूध का दाम 250 रुपए तक पहुंच चुका है तो चिकन का भाव 1000 रुपए को क्रॉस कर चुका है। आटे का रेट फिलहाल करीब 120 रुपए प्रति किलोग्राम है तो पेट्रोल 250 रुपए लीटर बिक रहा है। ऐसे हालात के लिए इमरान खान के करीबी नवाज शरीफ एंड फैमिली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो नवाज शरीफ का परिवार इसके लिए इमरान खान को कसूरवार ठहरा रहा है। भगोड़े लोग हैं, बुजदिल लोग हैं, चोर डाकू लुटेरे बेईमान मुल्क को आईएमएफ के चंगल में डालने के बाद अब बड़ी तकरीरों के लिए उस डाकू को बुलाओ ना, नवाज शरीफ को, जो सारा इवन फील्ड बताओ ये किसका लंदन में, ये कहां से आया। इतना ही सवाल है ना कि अदालत ये पूछती है कि ये माल कहां से आया। आईएमएफ का मुआयदा नहीं है, जिसका मुजरिम इमरान खान है, जिसको ये खातून खाना कहता था ना अपनी, ये जो खातून खाना किसको कहता था, वो मुल्क का हाल ये आईएमएफ की वजह से नहीं हुआ, ये उस खातून खाना की वजह से हुआ जो असल में खातून खाना थी। दावे के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 21 दिन का खर्च बचा है। ऐसे में सवाल ये कि अगर और कर्ज नहीं मिला तो क्या वाकई पाकिस्तान में एटम बम की मंडी खुल जाएगी। पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी संगठन टीटीपी पाकिस्तान में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये खबर अफगानिस्तान की मीडिया के हवाले से मिल रही है। खबर तो ये भी है कि टीटीपी के आतंकवादी पाकिस्तान में बड़े हमले कर रहे हैं।